देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इसके अंदर जब हम ये बोलते हैं कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम दो किस्म का है, और एक जो इक्विलिब्रियम है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, और एक कौन सा इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक, इसको समझाने के लिए जैसे सपोज करो आपके पास कोई भी ये एक सीसॉ या कोई भी एक प्लैंक है, इसके अबाउट ये हिंज्ड है। हिंज का मतलब यहां से इसने हमने इसको बांधा हुआ है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, टू एंड फ्रो कुछ ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो एक्सिस है वो इस पॉइंट में से पास करता है, तो इसके अबाउट रोटेशन है तो एक्सिस इसी में से पास करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो मैंने ये समझाया था कि सपोज करो एक यहां पर मास है एम टू और सपोज एक मास है यहां पर एम वन, इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से डी वन है और इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, डी टू है। राइट, क्लियर है। अब जो भारी मास है वो नीचे ले जाएगा इस प्लैंक को और जो हल्का मास है वो ऊपर आ जाएगा, अगर एम टू भारी है तो प्लैंक ऐसे हो जाएगा, मानते हो इस चीज को? पर वो ये कह रहा है कि ये जो डायग्राम है या जो बॉडीज हैं ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि ना तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि एम टू चाहेगा, एम टू फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा एम टू जी, जिससे कि रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, और एम वन जी फोर्स कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा एम वन जी, जिससे कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एक फोर्स क्या है एम टू जी, एक फोर्स क्या है एम वन जी। क्लियर है यहाँ तक? तो एम टू जी कितना टॉर्क लगाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, तो कितना टॉर्क लगाएगा एम टू जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना, डी टू। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से एम वन जी कितना टॉर्क लगाएगा, दिस फोर्स एम वन जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी वन, तो क्या आएगा एम वन जी इंटू कितना, डी वन। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो फोर्स की जो टॉर्क की वैल्यू है एक क्लॉकवाइज होएगी एक एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बैलेंस कर जाएं तो ना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ना ये एंटी क्लॉकवाइज करेगी, तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो इसे बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या होने वाली है, जीरो। और अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर नेट टॉर्क क्या होने वाला है, जीरो। जैसे इसमें हम करते थे लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो नेट फोर्स जीरो। इसमें बोलते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, आज वो डिस्कस करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन के लिए, तो नीट और मेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है क्वेश्चन इसमें से, कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है। तो इसके अंदर सपोज करो ये तो एग्जाम्पल हमने कर लिया, ये एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस सपोज एक कोई भी एक रॉड है या कोई भी एक बॉडी है, इसको दो नाइफ दो चाकुओं के साथ, तीखे चाकू हैं उसके साथ मैंने टिका दिया ऐसे ऐसे, ये प्लैंक है या कोई भी एक रॉड है, ये दो नाइफ हैं ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, तो हवा में स्टेशनरी है ये। अब ये कुछ ऐसे है, नाइफ के टिप्स हैं ये, ठीक हो गया। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, उसके सेंटर पे, रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, रॉड का अपना वेट कितना है, 4 kg, तो रॉड का नीचे की तरफ वेट क्या लगेगा, 4g। क्लियर है? किसी ने क्या किया, इस रॉड के यहां एक और वेट टांग दिया 6g, अब सोचो 10-10 किलो का मास है और मैंने इसे टिका के रखना पड़ा है, अगर मान लो मेरा हाथ थोड़ा हल्का पड़ गया तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, रोटेट कर जाएगी। पर ये कह रहा है कि रॉड किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये जैसी है वैसी की वैसी दिखेगी आपको, ये घूमेगी नहीं बिल्कुल भी। क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन है ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और आपको ये भी गिवन है इन दोनों फोर्सेस में दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इस नाइफ और 4g में सेंटर ऑफ मास तक की दूरी 25 है, और इस नाइफ और सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है, 35 है। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे डिस्टेंसेस गिवन है, आपको क्या निकालना है, इस नाइफ जो नाइफ्स हैं इन्होंने क्या करना है, N1 N2 जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया फोर्स लगाई इस रॉड पे, वो आपको कैलकुलेट करनी है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। ये क्वेश्चन है, और इसमें खास बात ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के क्वेश्चन में मोमेंट नहीं होती, सब कुछ इक्विलिब्रियम में होता है, तो मोमेंट नहीं होगी तो बॉडी में कोई रोटेशन नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं, कुछ नहीं होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है।
इक्विलिब्रियम दो टाइप के हैं, एक ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की, तो ऊपर की फोर्सेज बोलो कितनी है, एन वन प्लस एन टू, नीचे की फोर्सेज कितनी है, सिक्स जी और फोर जी, तो पहली इक्वेशन एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू सिक्स जी प्लस फोर जी। अब प्रॉब्लम ये है कि एन वन एन टू दो वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन एक ही बनी है, तो मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए जिससे कि एन वन एन टू कैन बी कैलकुलेटेड। अब ट्रांसलेशन में तो कोई और इक्वेशन बन नहीं सकती, तो किस में बनेगी, रोटेशन में। अभी काम करेंगे, इसके अंदर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाएंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या कंसिडर करेंगे, टॉर्क्स, हम टॉर्क कंसिडर करेंगे। टॉर्क कैसे, कौन लगाएगा टॉर्क, फोर्सेज लगाएंगी टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अपना एक्सिस भी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा एक्सिस से। तो एक्सिस क्या होगा, एक्सिस में ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर इज द एक्सिस मान लिया, तो इस एक्सिस के अबाउट हम क्या लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे। अब कितनी फोर्सेज हैं आपके पास, एक दो तीन और चार, तो कितने टॉर्क आएंगे, चार। इनमें से कोई इस रॉड को घुमाएगा क्लॉकवाइज और कोई घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाले टॉर्क अलग कर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अलग कर लेंगे, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क पहले निकालने क्या है, ये बताओ कि एन वन की वजह से टॉर्क होगा क्या, ये रहा एन वन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो एन वन का टॉर्क क्या होगा, फोर्स एन वन, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा यहां से, 25 सेंटीमीटर, तो बोलो क्या होगा, एन वन इंटू 0.25 मीटर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ये पहला टॉर्क आ गया। दूसरा टॉर्क 6g, फोर्स 6g और डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, 6g का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर, कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर क्या होगा, n1 into 25 सेंटीमीटर और 6g into कितना, 5 सेंटीमीटर, ये स्टेप क्लियर है। दूसरा टॉर्क भी आ गया। तीसरा टॉर्क बताओ, 4g, 4g की वजह से कितना टॉर्क होगा, 4g into क्या मल्टीप्लाई करूं, 0, 4g तो खुद सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है एक्सिस पे, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर ऑफ मास से, कुछ भी नहीं, ये तो वैसा ही हो गया जैसे आपने दरवाजा खोलना है, और आप फोर्स पता है कहां लगा रहे हो, हिंजेस पे, आप हिंज पे फोर्स लगाओगे दरवाजा खुल नहीं पाएगा, दोनों हाथ लगा लो तब भी नहीं खुलेगा, तो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम, क्योंकि घुमाने के लिए क्या चाहिए दरवाजा, टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहां से, एक्सिस से, तो दरवाजे का जो हिंजेस है वही उसका एक्सिस है, तो जब एक्सिस पे जाके फोर्स लगाओगे दरवाजा कैसे खुलेगा, तो इसलिए जब आप उस एक्सिस पे पॉइंट पे फोर्स लगाते हो तो टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो, तो 4G इसमें कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, छोड़ दो, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है N2, तो N2 y एक्सिस में है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है, x एक्सिस में, कितना, 35 सेंटीमीटर, तो N2 का क्या होगा, N2 into 0.35 मीटर, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो इसके अंदर टॉर्क चार फोर्सेस की वजह से निकाला मैंने, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, चार आ गया, एक तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता दो, अगर एन वन फोर्स ऊपर लग रही है तो ये रॉड को कैसे घुमाएगा, इन क्लॉकवाइज, अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसकी टेंडेंसी मूवमेंट की कैसी है, क्लॉकवाइज, तो एन वन टॉर्क कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा, सही है। अच्छा, 6G कैसे घुमाएगा इसे, 6G कहां लग रहा है, नीचे, तो सोचो अगर ये फिक्स्ड है, यहां से फिक्स्ड है और 6G नीचे, तो ये रॉड को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉक, क्योंकि ऐसे फोर्स लगाएगा तो ये हिस्सा नीचे आएगा, नीचे का मतलब ये ऊपर जाएगा, तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है यहां तक। अच्छा, N2 कैसे घुमाएगा, जब N2 इधर फोर्स लगेगी तो ये भी कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, तो कुछ नहीं करना आपने, इसके अंदर क्लॉकवाइज वाले टॉर्क अलग और एंटी क्लॉकवाइज वाले को मिला लो, इन्हें इक्वेट करके एक और इक्वेशन आ गई N1 N2 में, फिर साइमल्टेनियसली पहली इक्वेशन जो फोर्स की थी, जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की थी, और जो रोटेशनल की है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने एन वन एन टू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है कि लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, तो पहली इक्वेशन बनेगी ट्रांसलेशन से और दूसरी किसमें बनेगी, रोटेशन से, ये करके पता लगेगा, मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है, डाउट है, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक, आधा घंटा यही करना है वैसे अभी, चिंता ना करो, इतने इतने क्वेश्चन हैं, चार पाँच क्वेश्चन हैं इसमें एक टाइप के,
आपको आइडिया हो जाएगा इसमें करना कैसे है। तो ऑनलाइन भी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लैडर वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम्स हैं, मेंस में, नीट में बहुत आती हैं लैडर वाली प्रॉब्लम, या प्रिंसिपल मोमेंट के ऊपर इटसेल्फ प्रॉब्लम आती हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक लैडर है, एक लैडर दीवार और फ्लोर के साथ ऐसे टिकी हुई है, और लैडर का वेट कितना है, 20 kg का मास है इसका, लीन्स ऑन द फ्रिक्शनलेस वॉल, या फ्रिक्शन नहीं है, चलो जमीन पे फ्रिक्शन लें कि रहने दें, अगर लैडर को टिका के रखना है क्या जमीन पे फ्रिक्शन चाहिए, चाहिए यार, तो फिसल जाएगी पक्का, तो जमीन की फ्रिक्शन तो लेनी पड़ेगी, ग्राउंड की फ्रिक्शन तो लेनी पड़ेगी अगर वो टिकी हुई है तो, राइट। क्या निकालना है आपको, लैडर इस दीवार के कॉन्टैक्ट में है तो दीवार ने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई होगी, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली, वो निकाल दो, और ऐसे ही फ्लोर है, फ्लोर ने भी कुछ फोर्स लगाई होगी लैडर के ऊपर, तो वो फोर्स क्या है वो बताओ। तो ग्राउंड ने क्या फोर्स लगाई, ग्राउंड ने दो दो फोर्सेज लगाई, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगाया N2, लैडर की फिसलने की टेंडेंसी कहां पर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, टुवर्ड्स राइट, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाई। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कहां पर है, राइट, कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन भी और फ्रिक्शन भी है, और वेट ऑफ द लैडर कहां पर है, सेंटर पे है, क्योंकि वेट सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर पे, और वेट W है, और वेट कितना होगा, 20 kg। इस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्टेंस 2√2 गिवन है, ये डिस्टेंस आपको टोटल 3 meter लैडर की लेंथ गिवन है, ये 1 meter है, रादर आप एक काम करो, ये हाफ मीटर कर लेना, ये गिवन है प्लीज, मतलब आप सोच रहे होंगे बायसिमेट्री लग तो रहा है, नहीं लग नहीं रहा, ये गिवन देना पड़ेगा हाफ मीटर, नहीं तो आप मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते कि ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा। क्यों, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है वेट जो है वो सीधा नीचे गिर रहा है और इसको आधा आधा बांट रहा है, पर सोचो अगर लैडर थोड़ी और ऊपर को कर दूं तो वेट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो जरूरी थोड़ी है कि ये जो नीचे का हिस्सा है वो बराबर बराबर होगा, लैडर की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आधा आधा होगा, पर हाँ आप मेरी तरफ से गिवन कर लो कि ये डिस्टेंस हाफ मीटर है और ये डिस्टेंस भी इसमें हाफ मीटर गिवन है, राइट। अब आपको इसमें क्या निकालना है, फोर्सेस निकालनी है, पहली फोर्स जो दीवार लगाएगी इसके ऊपर N1, क्लियर, दूसरी फोर्स जो फ्लोर लगाएगा N2, क्लियर, लैडर लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन राइट, क्लियर, और वेट W, क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब खास बात क्या है इन टाइप की प्रॉब्लम्स की, खास बात यह है कि लैडर इक्विलिब्रियम में है, लैडर ने मूव तो करना ही नहीं ना, अगर लैडर मूव कर दी बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। इसमें खास बात यह है कि जो लैडर है वो रेस्ट पे पड़ी हुई है, तो रेस्ट पे होने का मतलब किसमें है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन भी है रोटेशनल भी, इक्विलिब्रियम के अंदर लैडर इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये लैडर इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि पहला इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स एंड ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो ऊपर की फोर्स कितनी है N2, नीचे की फोर्स कितनी है W, बस तो N2 इज इक्वल टू W, और W 20 g है इसमें, तो N2 देखने में आई गया 20 g, कोई डाउट। अब लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, तो लेफ्ट की फोर्स क्या है N1, राइट की फोर्स क्या है F, तो क्या लिखेंगे N1 इज इक्वल टू F, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तो आ गया N2, अब N1 तो है नहीं और F भी नहीं है, मुझे N1 और F दोनों निकालने हैं, तो मेरे को अब क्या लगानी पड़ेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो मुझे टॉर्क्स निकालने पड़ेंगे, कौन लगाएगा टॉर्क, फोर्सेस, कितनी फोर्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, 4 फोर्सेस का टॉर्क निकलेगा, पर टॉर्क निकालने के लिए आपको एक्सिस देना होता है कि वो डिस्टेंस लूं कहां से, तो कोई कहता है सेंटर ऑफ मास से ले लो, कोई कहता है नहीं नहीं यहां से ले लो, कोई कहता है यहां से ले लो, तो रॉड जब नीचे गिर रही होगी ना तो आप जो एक्सिस लेंगे जिसके अबाउट रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास नहीं लेंगे, वो ये कोई हिंज थोड़ी ना कि इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, देखो सेंटर ऑफ मास तो तब लेते हैं जब रॉड इस तरीके से मूव कर रही होती, कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे नहीं, इसमें या तो एक्सिस ये बनेगा, इसके अबाउट रोटेशन है, पूरी की पूरी लैडर गिरेगी नीचे और एक्सिस कहां से पास करेगा, ए में से मान लो एक्सिस पास कर रहा है और इसके अबाउट पूरी रोटेशन होने वाले, सोचो ग्राउंड नहीं है, मान लो ग्राउंड नहीं है और लैडर नीचे गिरती है तो देखो रोटेट नहीं कर जाएगी इसके अबाउट, तो एक्सिस कहां से पास करेगा, ए में से, पर चलो इसमें कंफ्यूजन रहती है लैडर की प्रॉब्लम में कि मैं एक्सिस लूं क्या, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, आपको सोचना ही नहीं कि एक्सिस क्या लूं लैडर की प्रॉब्लम में, आपको सोचना नहीं है फिर क्या लें, आपका जो मन आता है,
लैडर का ये पॉइंट आता है आप ये ले लें, लैडर का ये पॉइंट आता है आप ये ले लें, दोनों में आंसर सेम आएगा। आपको आंसर सेम आ सकता है क्योंकि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम अगर वी का बना हुआ है तो इक्विलिब्रियम ए का भी तो बना ही हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में जब कोई सिस्टम रेस्ट पे होता है, आप जिस मर्जी लैडर के किसी भी कोने पे इक्वेशन बना लें टॉर्क की, आंसर सेम आएगा। तो मैंने सेलेक्ट किया ए पॉइंट, तो मैं सारे टॉर्क किसके अबाउट निकालूंगा, अबाउट पॉइंट ए। किसने पूछा क्यों बी क्यों नहीं ए क्यों, तो मैंने कहा इसलिए, मर्जी तो कुछ भी थी, क्योंकि जब मैं एन टू का टॉर्क निकालूंगा तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, या इसके अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकल रहा है, तो एन टू तो एक्सिस पॉइंट पर ही काम कर रहा है, टॉर्क जीरो। एफ का टॉर्क भी क्या आएगा, जीरो। बढ़िया है ना, दो टॉर्क तो ऐसे उड़ गए, बाकी दो के निकाल देंगे, क्वेश्चंस कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। अगर मैं इसका इसके अबाउट लेता हूं तो एन वन का टॉर्क इसमें जीरो रहेगा, बाकियों का तीनों टॉर्क निकालने पड़ेंगे, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो बेस्ट वही है जहां जितनी फोर्सेस ऐड कर रही हो वही पॉइंट ले लो रोटेशन का, इससे क्या होगा आपके बहुत सारी फोर्सेस का टॉर्क उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इन एनी केस चलो लैडर वाली प्रॉब्लम में ज्यादा समस्या है नहीं, लोग यहीं लेते हैं, नीचे का पॉइंट ले लेते हैं। अब मुझे सिर्फ आंसर दो कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, बोलो एन टू की वजह से क्या होगी, ये अगर एक्स पॉइंट है जीरो, एफ की वजह से क्या होगी जीरो, अगर ये डिस्टेंस हाफ है तो डब्ल्यू फोर्स है, तो डब्ल्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना होगा हाफ, तो क्या होगा डब्ल्यू इंटू हाफ। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो टॉर्क क्या आएगा डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितना हाफ, कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डब्ल्यू इंटू हाफ। अच्छा नेक्स्ट है, अब एक काम करो एक और टॉर्क निकालो, डब्ल्यू का टॉर्क तो आ गया, चलो अब एक काम करो टॉर्क निकालो किसका, एन वन का। बोलो एन वन का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा, एन वन, ये एन वन है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा क्योंकि एन वन एक्स एक्सिस में है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई में बनेगा जो कि कितने टू रूट टू, तो एन वन की के साथ क्या लगेगा टू रूट टू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? क्या स्टेप क्लियर है? फिर से एक एक करके, ये पॉइंट ले लिया आपने ए, इसका टॉर्क क्या जीरो, इसका टॉर्क क्या जीरो, पहला क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अब डब्ल्यू एक फोर्स है, डब्ल्यू फोर्स किस एक्सिस में है, एक्स में कि वाई में, वाई में है ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको किस एक्सिस में मिलेगा, एक्स में। ये बात समझ में आ रही है? और आपको डिस्टेंसेस कहां से निकालने हैं, आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं ए से। तो ये आपका डब्ल्यू फोर्स है ये री, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना है, ये रहा, सही है, जो कि मैंने कितना लेने को कहा था, हाँ। तो टॉर्क क्या बनेगा डब्ल्यू का, डब्ल्यू इंटू हाफ। ये स्टेप क्लियर है, सही है? अच्छा फिर करते हैं चलो, अब नेक्स्ट फोर्स लेते हैं एन वन, एन वन, एन वन किस डायरेक्शन में, एक्स में कि वाई में, एक्स में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में मिलेगा, वाई में। तो एन वन का वेक्टर थोड़ा लंबा कर लें एन वन, और ए पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये कितना है टू रूट टू, तो एन वन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू रूट टू, तो डब्ल्यू इंटू हाफ और एन वन इंटू टू रूट टू। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? टॉर्क आ गए, तो इसका टॉर्क आ गया, इसका टॉर्क आ गया, इन दोनों का टॉर्क था ही नहीं, दो टॉर्क आ गए। अब डिसाइड कर लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करना पड़ेगा सोचो, जो इसके अंदर एन वन है, आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे जो एन वन है वो इसको कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो डब्ल्यू है वो इसे कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो काफी लोग कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, इक्वेशन बन जाएगी, और वही बनाई मैंने इसमें, वही बनाई एन वन इंटू टू रूट टू और डब्ल्यू इंटू हाफ, सेम। तो एक देखो ना, दोनों क्लॉकवाइज हो भी नहीं सकती, अगर दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज हो गए तो पक्का रॉड कैसे घूमेगी क्लॉकवाइज, तो एक को तो क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, एक को एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। लेकिन लैडर वाली प्रॉब्लम है ना, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, उसका भी एक शॉर्टकट बताता हूं, आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक सेकंड में आंसर आएगा जो मैं मेथड बता रहा हूं, बिना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के किसको किसके इक्वल करना है ये ध्यान से देखना है। करें स्टार्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना बंद कर दो आप ना, लैडर, ये लैडर है, इस लैडर की के अंदर से एक लाइन खींच लो, ये लाइन है, सोचो दो कंट्रीज का बॉर्डर है, एक कुछ लोग इधर हैं कुछ लोग इधर हैं, तो
यहां लोग नहीं है, यहां फोर्सेस हैं। तो इस बॉर्डर के इस तरफ कौन सी फोर्सेस हैं? एन वन है, और नीचे की तरफ कौन सी फोर्सेज हैं? इसमें टॉर्क जनरेट करना ही नहीं है, तो इधर के और इधर के लोग सेम टॉर्क जनरेट नहीं कर सकते। उधर का अगर क्लॉकवाइज करेगा तो इधर के एंटी क्लॉक ऑपोजिट पक्का करेंगे, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, बस बाउंड्री लगा लो, कुछ फोर्सेज ऊपर हैं कुछ नीचे मिलेंगी, तो ऊपर और नीचे की टॉर्क बराबर कर दो। तो जो N1 का टॉर्क होगा और W का टॉर्क होगा वो सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होगा, वो ऑपोजिट होगा। तो ठीक है, डन, इक्वेट कर दो। आपसे पूछ कौन रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको समझाने के लिए बताता हूं। तो सबसे बेस्ट है लाइन खींच लो, उसके ऊपर फोर्सेज देख लो और नीचे देख लो, जहां भी हैं जैस जिस वाली डायरेक्शन में है उनका टॉर्क आपस में इक्वेट कर दो। आंसर लगाऊंगा और भी लगाऊंगा, अगले क्वेश्चन में लगाऊंगा मैं। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, और सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके N1 आ गया। अब आपके पास N2 आ गया, आपके पास N1 भी आ गया। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब N1 की वैल्यू ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में याद है, लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, तो N1 की वैल्यू किसके इक्वल है? F के। तो N1 आ गया तो F भी आ गया, डन। अब आंसर दें, इस पॉइंट पर दीवार ने इस लैडर पे कितनी फोर्स लगाई? N1। तो एक आंसर आ गया N1, एक आंसर आ गया। फिर इस पॉइंट पर ग्राउंड ने कितनी फोर्स लगाई लैडर पे? दो दो फोर्सेस लगाई, N2 भी लगाई और फ्रिक्शन भी लगाई, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स क्या लगाई? N2 और फ्रिक्शन का वेक्टर सम, बिकॉज बोथ फोर्सेस आर अप्लाइड बाय द ग्राउंड एंड बोथ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आंसर क्या आएगा? N2 का स्क्वायर और F का स्क्वायर आंसर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचें लैडर की प्रॉब्लम? एक काम करो, आप इस इक्वेशन को एक बार देखो, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये है यहां पर भी फ्रिक्शन है। अब दो मिनट लो, इसमें फ्रिक्शन फोर्सेस सारी फोर्सेस को देखो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाने की ट्राई करो। एक सेकेंड, क्या इक्वेशन बनेगी ट्राई करना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये फ्लोर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वॉल फ्रिक्शन प्रेजेंट है, रॉड की लेंथ L, इसका वेट कहाँ पर होगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो वेट कितना होगा? mg। और अगर सेंटर ऑफ मास पे होगा तो ये आधी लेंथ क्या होगी? L/2। आधी लेंथ क्या होगी? L/2। और आधी लेंथ क्या होगी ऊपर वाली भी? L/2 एंड L/2। क्या पॉइंट क्लियर है? और ये एंगल क्या है इसमें? थीटा। ठीक है, रॉड ने मूव नहीं करना, मतलब आप ये सोच रहे हैं रॉड मूव कर रही है, नहीं कर रही, करनी नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में गिवन होगा क्वेश्चन में, ये मूवमेंट के क्वेश्चन नहीं होते, रोटेशन हो नहीं सकती इनमें। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे उसमें गिवन होगा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम,
तो रोटेशन इक्विलिब्रियम भी और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी। तो फिर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी वो देख लें। पहली फोर्स जो एक्ट करेगी, जो पहली फोर्स एक्ट करेगी वो क्या है, N2। इस लैडर को कहां फिसलना है, इधर। तो कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एड करेगी इधर, म्यू टू इंटू एन टू, राइट। इस लैडर को कहां फिसलना है, नीचे। तो फ्रिक्शन कहां है, ऊपर। और नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट। और वेट सेंटर नीचे। फोर्सेस क्लियर है? तो पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी, चौथी और पांचवी, पांच फोर्सेस हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में। पहला इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। ऊपर की फोर्सेस बोलो कौन है, एक है एन टू, एक है म्यू वन एन वन, और नीचे की फोर्स कौन है, एम जी। तो इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, एन टू प्लस म्यू वन एन वन इज इक्वल टू एम जी। क्या ये पहली क्वेश्चन क्लियर है? दूसरी, लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। तो लेफ्ट की फोर्स कौन है, एन वन, राइट की फोर्स क्या है, म्यू टू। तो दूसरी क्वेश्चन भी क्लियर है? तो ये इक्वेशंस किस इक्विलिब्रियम से बनी, ट्रांसलेशन। अब हम किससे बनाएंगे, रोटेशनल। रोटेशन के अंदर सबसे पहले पॉइंट लेना पड़ेगा कि आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लोगे। तो चलो वो पॉइंट क्या ले लेते हैं, ओ। तो ओ ले लें, ये ओ पॉइंट है, कोई डाउट इसमें? ओ पॉइंट ले लिया। अब हर फोर्स का टॉर्क निकालें। पहली फोर्स एन टू, एन टू का टॉर्क जीरो। सेकेंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो। बढ़िया है ना, एक दो तो उड़ी जाती हैं, यहाँ पॉइंट लेते हैं, क्लियर है। तीसरी फोर्स वेट। अब वेट कहाँ कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एम जी कर रहे हैं। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या होगा, ये होगा। और ये क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस एल बाई टू है और ये थीटा है, तो ये क्या होगा, एल बाई टू कॉस थीटा। आप वो लगाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, तो ये एल बाई टू है, ये थीटा है, तो बेस क्या बनेगा, एल बाई टू कॉस थीटा, क्लियर है। तो इसके अंदर टॉर्क क्या बनेगा, एम जी। एम जी वाई एक्सिस की फोर्स है, एक्स एक्सिस की फोर्स में क्या आएगा, एल बाई टू कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें? क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि वेट एम जी, फोर्स है एम जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये रहा, और ये डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू कॉस थीटा। कोई डाउट इसमें, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है यहां तक? टॉर्क आ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्स एन वन। ये एन वन है। अब एन वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कहां से ढूंढना है, फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ कैसे, आप एन वन को थोड़ा एक्सटेंड कर लें ऐसे, वेक्टर गिरा, ये एन वन है, और एन वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, और ये क्या बनेगा, अगर ये एल है, ये थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट क्या बनेगी, एल साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस भी क्या बनेगा, एल साइन थीटा। ये स्टेप क्लियर है? मैंने ये कहा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एल है टोटल लेंथ, ये थीटा है, तो ये क्या आएगा, एल साइन थीटा। तो फिर मैंने ये कहा कि एन वन, एन वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां क्या बनेगा, एल साइन थीटा। तो एन वन इंटू एल साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? टॉर्क आ गया इसका भी, एन वन का, ठीक है। तो पहला टॉर्क किसका निकाला, एम जी का। दूसरा टॉर्क एन वन का, यहां तक कोई डाउट? तीसरा टॉर्क म्यू वन एन वन का, ओके। म्यू वन एन वन की डायरेक्शन कहां है, वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस में मिलेगा, एक्स में। तो यहां पर क्या करेंगे, ये निकलेगा म्यू वन एन वन, और ये पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा कितना, इसका डिस्टेंस अगर ये एल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, एल कॉस थीटा। तो आपको क्या बनाना है, म्यू वन एन वन फोर्स म्यू वन एन वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, एल कॉस थीटा। ये टॉर्क क्लियर है? तो सारे टॉर्क की वैल्यूज क्लियर है, डायरेक्शन को छोड़ दो, वैल्यूज वैल्यूज क्लियर है, ठीक। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज, यही देखना है ना। मैंने क्या रूल बनाया था, ऐसे देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बहुत लंबा पड़ जाएगा, गलत भी हो सकता है। बेस्ट तरीका, बाउंड्री बनाओ, ये लो, ये बाउंड्री बन गई, बस। इस पार जो फोर्सेस हैं कौन कौन सी है, इधर कौन गया, म्यू वन एन वन गया, और साथ में एन वन भी गया, उस पार चला गया, और इस पार कौन रह गया, एम जी। तो यानी कि इनका टॉर्क एक तरफ होगा और इनका टॉर्क एक तरफ होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? तो एम जी का टॉर्क, एम जी का टॉर्क अलग है और उन दोनों का
अलग है, इक्वेट कर दो। तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। बढ़िया तरीका है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये तीसरी क्वेश्चन है, ये ऐसी बनाया हुआ है, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन क्या आएगा मालूम नहीं है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कुछ वैल्यूज के साथ आएगा या प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जब न्यूमेरिकल की शीट दूंगा उसमें आप सॉल्व कर लेना, अनसॉल्व प्रॉब्लम दूंगा करने के लिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है आपने इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, आसान है। तो फर्क सिर्फ ये है, जो तो नीट के क्वेश्चंस हैं वो तो डायरेक्ट हैं, मैं ऐसी लेडर वाली प्रॉब्लम ही आनी है, है ना, वो जो नाइफ वाली डायरेक्ट आनी है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। जो मेंस की प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा लगा देगा, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नहीं देगा, एंगल उंगल देगा, थीटा और पता नहीं क्या कुछ देगा, वहाँ से आंसर आएगा। जैसे मुझे याद है आपकी शीट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, मेरी हैंड रिटन शीट के अंदर गिवन होगा, बहुत अभी अभी नहीं लेकिन हफ्ते बाद आ जाएगा वो क्वेश्चन, या शीट में होगा मुझे याद नहीं है। मेंस वालों ने पता है क्या किया, मेंस वाले कहते हैं कि जो मैं लैडर लेता ही नहीं, मुझे याद आ रहा है हाँ क्वेश्चन, वो कहते हैं मैंने लैडर लेना ही नहीं, बच्चों को लैडर के क्वेश्चन याद हैं, वो कहते हैं एक काम करते हैं, एक धागा लो, एक धागा, धागे के साथ ये टांग दिया हवा में, नई फिगर बना दी उसने, एल शेप, कोई एल शेप कोई मेटल है, टांग दिया हवा में। अब कुछ फोर्सेस देगा वो आपको, वेट देगा, ठीक है, यहाँ भी वेट देगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देगा, तो आपको डायमेंशन देगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके आपको कुछ ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, जब प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे उसमें मिल जाएगा, असाइनमेंट के अंदर भी आएगा। वैसे मैं आपको ये नहीं बता रहा, मुझे याद नहीं क्वेश्चन क्या है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो शेप चेंज कर सकता है। मुश्किल क्वेश्चन था जब आया, मतलब उस टाइम करना आसान नहीं था, जिसको तो मैथ्स ज़्यादा आता है वो निकाल लेता है थीटा से डायमेंशन, वो तो ठीक है, पर अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन नाइफ जैसे आते हैं, नाइफ देखा है वो वाला, वो तो नाइफ, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं N1 N2 के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, लैडर की भी प्रॉब्लम आती हैं, तो नाइफ वाली या लैडर वाली प्रॉब्लम बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, ये आ जाती हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कुछ नया भी देगा तो आपको इतना समझ में आ गया कि करना क्या है आपको, क्लियर है? तो नेक्स्ट, इसके अंदर जैसे ये प्रॉब्लम भी बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर देखो, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको फिर से एक लैडर गिवन है, इस बार करो ये कैसी लैडर है, जो हमारे घरों में नहीं होती, जो आप वो स्टेप्स होते हैं, तो कुछ वैसी है, और अगर आप वो लैडर फोल्ड कर दो, ओपन करो, तो उसमें एक तार लगी होती है, वायर ज्वाइन होती है दोनों लैडर के बीच में, वो क्यों होती है, क्योंकि आप उस लैडर को कहीं स्लिपरी सरफेस पे लेके आ सकते हो, तो स्लिप हो जाएगी, बंदा ऊपर चढ़ा हुआ तो गिर जाएगा, तो वो रस्सी बंधी होती है, स्ट्रिंग बंधी होती है, वो टाइट हो जाती है, वो उसको फिसलने से रोकती है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कह रहा है ग्राउंड पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एक बंदे ने लैडर खोल लिया और ऊपर जाके बैठ गया। अब सोचो अगर ये गिर जाए या लैडर फिसल जाए, क्यों नहीं फिसल रही, क्योंकि बीच में स्ट्रिंग है, टाइट है, अदरवाइज अगर स्ट्रिंग भी ना होती, फ्रिक्शन भी ना होती, मतलब ही नहीं है टिकने की, फिर तो इसने ऐसे खुली जाना था, ये देख रहे हो ऐसे लैडर ऐसे जाएगी, फिसलेगी, बंदा नीचे गिरेगा ऐसे, तो ये इसमें लैडर यहाँ पर बंदा बैठा है ऊपर, ऐसे गिरेगा, तो ये देख रहे हो लैडर ऐसे फोल्ड होती है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये ऊपर वाला टॉप का पॉइंट एक्सिस ऑफ, हिंज कहाँ लगेगा, टॉप पे लगेगा, हिंज मतलब जिसके अबाउट रोटेशन होगी, तो एक्सिस क्या होगा, ये एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन होने वाली है, पर होगी नहीं, चिंता ना करो, क्योंकि टॉपिक का नाम रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो हम कहाँ गिरने देंगे उसे, मोमेंट तो होएगी नहीं इसमें, तो ये कह रहा है ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इक्वेशंस बनाओ N1 N2 की, क्या इक्वेशंस हैं, तो रूल नंबर 1, इस फ्लोर ने यहाँ पर इस कोने पे फोर्स लगाई N1, और इस कोने पे फोर्स क्या लगी, रिएक्शन N2, N1 N2 आपको क्वेश्चन में निकालना है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ये मैन है, मैन का वेट कितना है W, और वो टॉप पे बैठा हुआ है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी, टेंशन TNT, कुल मिला के सिस्टम में कितनी फोर्सेस हैं, N1 N2 T और W, चार फोर्सेस हैं। समझ में आ रहे हैं यहां तक, फोर्सेस क्लियर है सबको, फोर्सेस क्लियर है? तो इसमें
सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम दो टाइप का है, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेज। ऊपर की कौन सी फोर्सेज हैं? ऊपर की फोर्स है एन वन एंड एन टू, क्लियर है, और नीचे की फोर्स क्या है? डब्ल्यू। तो क्या बनेगा? एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू। कोई डाउट इसमें? ठीक। अब नेक्स्ट है रोटेशनल, हाँ लेफ्ट और राइट की फोर्स ही नहीं है, टी एन टी कैंसिल, बात खत्म। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसके अंदर दो लैडर्स हैं एक्चुअल में, ये दो हैं एक नहीं है। तो आप अपनी इक्वेशन एक पे बनाएंगे, सिर्फ दो पे नहीं बनाएंगे, एक पे बनाएंगे। तो एक कोई भी पोर्शन ले लें, जैसे कि मैंने लेफ्ट पोर्शन ले लिया, बस ये पोर्शन ले लिया, बस ये रहा। तो इसके ऊपर लेफ्ट लैडर पे ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट मैं निकालने वाला हूं, ओ पॉइंट के अबाउट। इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक एन वन, एक टी और एक डब्ल्यू, बस। क्लियर है यहां तक? ये तीन फोर्सेज हैं, इनका रोटेशनल इक्विलिब्रियम का टॉर्क बनाए। तो देखो सबसे पहले रूल नंबर वन, डब्ल्यू का टॉर्क क्या होगा? जीरो, क्योंकि वो तो एक्सिस भी काम कर रहा है, तो छोड़ दो। अब क्या बचा? एन वन और टी। एन वन का क्या बनेगा? एन वन फोर्स है, एन वन फोर्स को थोड़ा ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यहां से ये होगा और ये डिस्टेंस है कितना? एक्स। तो टॉर्क क्या बनेगा? एन वन इंटू एक्स। क्या स्टेप क्लियर है? फोर्स वाई एक्सिस में है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे मिलेगा? ओ से एक्स में मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है टेंशन टी। टेंशन टी एक्स एक्सिस में है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से क्या बनेगा? वाई। तो टी इंटू क्या बनेगा? वाई। कोई डाउट इसमें? दो टॉर्क आ गए और टॉर्क कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो एक लाइन खींच लो, इस लैडर के इस पर कौन सी फोर्स है एन वन और उस पर कौन सी फोर्स है टी, तो ये दोनों सेम टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए एन वन का टॉर्क और टी का टॉर्क आपस में इक्वेट करके एन वन आ गया, एन वन आ गया। आपको अब एन टू भी निकालना है। अब एन वन और एन टू का सम डब्ल्यू है, एन वन आ गया तो फिर N2 तो अपने आप ही आ जाएगा, N2 is equal to W minus N1 answer। क्या है point? Clear है यहाँ तक? कोई doubt इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। तो कैसे सोचते हैं? क्लियर है? इस ladder की फिर प्रॉब्लम है। इस बार आप एक काम करो, ये ना X3 गलत है, ये X3, ये डिस्टेंस X3 है, करेक्शन करो, X3 ये है, ये डॉटेड लाइन X3 है। बनाना इक्वेशंस इसमें, इस बार जो मैन है वो ऊपर नहीं बैठा, इस बार मैन नीचे बैठा है, देखो लैडर के बीच में कहीं अटका हुआ है W, तो या वेट है वो W बीच में है। तो इक्वेशंस क्या बनेगी? देखो ये देखो, तो इसके अंदर ये X3 है, ये नहीं है। बनाओ इक्वेशंस, लेफ्ट लैडर पे बनाओ, राइट पे, लेफ्ट पे बना लो, एक लैडर पे। तो इसके अंदर सबसे पहले इक्विलिब्रियम में ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में इक्वेशन क्या बनेगी? एन वन प्लस क्या? एन टू इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू। पहली इक्वेशन क्लियर है? लेफ्ट और राइट में चलो छोड़ी, तो कुछ करना ही नहीं है। टॉर्क देखते हैं, लेफ्ट लैडर ले लो, इस लैडर के यहाँ फोर्स क्या है? एन वन। तो एन वन इन टू क्या? एन वन जो फोर्स है, एन वन जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितना है? तो n1 into टॉर्क क्या बनेगा? x1।
सही है, फोर्स वाई एक्सिस में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस में है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, एक टॉर्क डब्ल्यू बनाएगा, डब्ल्यू कहां पर है, नीचे है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितना, ये इसको एक्सटेंड कर लो, ओ से दूरी कितनी है, ये गलत है, ये कितना है एक्स थ्री, तो क्या बनेगा डब्ल्यू इंटू एक्स थ्री, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। मैंने करेक्शन करवाई थी, मैंने कहा था एक्स थ्री नहीं लेना, मैंने कहा था ये एक्स थ्री लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये डब्ल्यू है, फिर से एक बार, इसके अंदर ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू फोर्स ऊपर तक ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू वेक्टर नीचे है, तो इसका डिस्टेंस ओ से कितना है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मैंने आपको क्या मार्क करने को कहा एक्स थ्री, ये गलत है, ये एक्स थ्री ऐसे है, करेक्शन है इसमें, एक्स थ्री मुझे ऐसा लेना चाहिए, तो डब्ल्यू इंटू क्या आएगा एक्स थ्री, क्लियर है। अब इसके अंदर इस लैडर के इस तरफ एन वन है और इस तरफ डब्ल्यू है, और दोनों का टॉर्क क्या होगा इक्वल हो जाएगा जैसे मैंने बताया, तो इसके अंदर अच्छा टेंशन टी भी तो है सच, टेंशन का टॉर्क भी होगा इसमें, क्योंकि लेफ्ट की तरफ टेंशन टी भी है, तो टी ये फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है एक्स फोर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है एक्स फोर। तो अब ये अगर ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ लैडर कंसिडर करें तो इसके इस पार एन वन है और इस पार डब्ल्यू भी है और टी भी है, तो डब्ल्यू और टी का टॉर्क एन वन के टॉर्क के इक्वल होगा, क्या स्टेप क्लियर है, इक्वेट करके जो भी निकालने आंसर आ जाएगा, आंसर जो आएगा आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये प्रिंसिपल